आज के इस कार्यक्रम में स्वाध्याय सूत्रगढ़ में जो तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा का जो बैच है उस बैच के लिए आज आशीर्वाद व विदाई समारोह रखा गया है। जिस प्रकार से सनातनी हमारी परंपरा रही है कि किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सदस्यगण अतिथिगण का हम तिलक लगा के पुष्प वर्षा के साथ में स्वागत करते हैं, उसी परंपरा का आज यहाँ पे स्वाध्याय में निर्वहन किया जा रहा है। तो इस कड़ी में मैं विद्यार्थी है उनको बुलाना चाहूँगा और जो बच्चे तिलकार्चन का कार्य कर रहे हैं उन्हें मैं कहूँगा कि वो बच्चों का तिलक लगा के स्वागत करें। शिक्षा का जो स्वरूप है वह उसी प्रकार से रहना चाहिए जो सनातनी या वैदिक परंपरा में रही है, उसी प्रकार से सनातनी परंपरा का निर्वहन करते हैं। हम उन्हें उसी गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो है उसको पुनर्स्थापित करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जहां शिक्षा स्थली और शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के मध्य जो स्नेह रहता है, जो संबंध रहता है, हम भी चाह रहे हैं स्वाध्याय में वैसी परंपरा जो बने। वर्तमान युग में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है और एक गुरु और एक विद्यार्थी के मध्य जो अंतर उनमें दूरियां आ रही है, तो कहें पहल कि बोले गुरु और विद्यार्थी के मध्य संबंध बढ़ेगी, मधुर है, सम्मानजनक रहे, इनके मस्तक पे लगने वाले ये तिलक हम ये मानते हैं कि 25 और 26 फरवरी को जो परीक्षा में ये सम्मिलित हो माँ सरस्वती इनको सफलता प्रदान करें, यही आशीर्वाद हमारा और पूरे स्वाध्याय परिवार का रहे। एक एक विद्यार्थी जो बड़ी ही उम्मीद के साथ में अपने घरों से निकल के पिछले एक साल से बड़े मनोयोग से तैयारी कर रहे हैं, हमारे हृदय की असीम गहराइयों से उनको ढेर सारा आशीर्वाद कि वो अपने इस लक्ष्य में सफल रहे, माँ सरस्वती उनको सफलता प्रदान करें। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के द्वारा हमने विद्यार्थियों पे जो एक परीक्षा का जो दबाव बना हुआ था, एक डर जो था, उससे भी बाहर निकालने की कोशिश की है। ये व्यवस्थाएं हमने स्कूल में या कॉलेज में देखी, पर किसी भी कोचिंग संस्थान में ऐसी परंपराएं जो बहुत ही दुर्लभ हमें देखने को मिलती है। करना ही होगा, नियमित करना होगा, उसी दौरान बहुत से विद्यार्थी जो
इस प्रकार के थे कि आगामी भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारी करते आदमी के मन में उन बच्चों ने मुझसे संपर्क किया और कहा सर आप कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जिससे जुड़कर हम घर बैठे तैयारी कर सकें। उसी चीज के सोचते सोचते तो कार्य आरंभ किया। 11 नवंबर 2022 का वक्त 20 का वक्त दोबारा मैं बोलना चाहूँगा 11 नवंबर 2020 जहाँ से स्वाध्याय की शुरुआत होती है। इस कड़ी में स्वाध्याय ये मानता है कि हर विद्यार्थी जो अपने आप में योद्धा है और उसने स्वयं अपने बल पे ही इस रण क्षेत्र में विजय हासिल करनी है। हम विद्यार्थियों को हर मंच पे इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि आप अपूर्व जो ऊर्जा के स्रोत हैं, आप में किसी प्रकार की कोई भी शैक्षणिक कमी नहीं है। हाँ, हम जो सहयोग कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि आपको एक सहयोग प्लान से जोड़ सकते हैं, हम आपको कुछ टास्क उपलब्ध करवा सकते हैं, हम आपको कुछ पाठ्य सामग्री के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं, परंतु मेहनत जो रहेगी आपकी स्वयं की रहेगी। इसी रणनीति के तहत हमने कार्य स्टार्ट किए, एक शेड्यूल प्लान जो है वो तैयार किया और रोजाना कुछ ना कुछ टास्क जो है विद्यार्थियों को दिया और विद्यार्थियों ने निश्चित 2 दिन के समय में उस पाठ्य सामग्री को पढ़ा और उसके बाद में स्वाध्याय टीम ने मैंने मिलकर एक टेस्ट प्लान तैयार किया। तो ये कड़ी धीरे धीरे बढ़ती 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 आज जिस स्वरूप में आप देख रहे हैं। स्वाध्याय ने अभी तक जितने बैच पूरे किए हैं उसमें रीट भर्ती परीक्षा 2021 रही जो कि किसी कारणवश रद्द रही, उसके बाद में बड़ा बैच जो रहा वो रहा स्कूल व्यक्तता भर्ती परीक्षा जिसमें ऑफलाइन स्तर पे लगभग 500 विद्यार्थी स्वाध्याय से जुड़े, ऑनलाइन स्तर पे लगभग 400 विद्यार्थी इतिहास विषय के हमसे जुड़े, लगभग 800 से 900 इतिहास व्याख्याता जो है वो इस भर्ती परीक्षा में उतरे। और हम ये मान के चल रहे हैं कि बैच आरंभ के समय हमने जो टारगेट दिया था टारगेट 100+ और वो हम जल्दी ही अचीव करने वाले हैं। उसके बाद में हमने जो बैच पूरा किया वो था रीट भर्ती परीक्षा 2022, उसके बाद में हमने जो बैच कंप्लीट किया सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, उसके साथ अब जो बैच हमने कंप्लीट किया वो है तृतीय श्रेणी मुख्य भर्ती परीक्षा। इस बैच ऑफलाइन स्तर पे स्वाध्याय में लगभग 1200 विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, नियमित तैयारी की, नियमित उन्होंने टेस्ट दिए और लगभग इतनी ही बड़ी संख्या जो है ऑनलाइन स्तर पे भी जुड़ के रही। स्वाध्याय वर्तमान में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्तर पे जो है तैयारी करवाता है जिसमें ऑनलाइन के लिए हमने सिर्फ टेस्ट सीरीज ही उपलब्ध करवा रखी है, किसी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेज नहीं रहती। टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज के अंदर जो है जिस प्रकार ऑफलाइन टेस्ट रहते हैं वही टेस्ट बच्चों को ऑनलाइन स्तर पर उपलब्ध करवाए जाते हैं, ऑनलाइन उनका सोल्यूशन उपलब्ध करवाया जाता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में अगर हम कोई विद्यार्थी के मन में ये बात आए कि अंतर क्या है तो मैं कहना चाहूंगा कि इतना सही अंतर है, जब आप ऑफलाइन तैयारी करते हैं सेंटर उपस्थित होके तो आपको जो पेपर हम खुद यहाँ पे क्लासरूम में हल करवाते हैं और ऑनलाइन स्तर पे आपको पेपर स्वयं फिल करना पड़ता है। ऑनलाइन के लिए स्वाध्याय सूरतगढ़ तो ऑनलाइन जो भी विद्यार्थी स्वाध्याय से जुड़ना चाहते हैं वो सभी गूगल प्ले स्टोर पे जाके स्वाध्याय सूरतगढ़ नाम से सर्च करेंगे, वहां आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, आप वहां से साधारण से तरीके से स्वाध्याय से जुड़ सकते हैं। आगामी समय में जो विद्यार्थी चाह रहे हैं लगभग पता है कि 4,500 के आसपास स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी जो है वो आने वाली है, तो कोई विद्यार्थी दूर दराज का हो जो यहाँ हमारे पास उपस्थित नहीं हो सकता और वो अपनी तैयारी को जारी रखना चाहते हैं तो ऑनलाइन स्तर पे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये कुछ छोटी बातें थी जिसमें मैं आपको स्वाध्याय की जर्नी जो है उसके बारे में बता रहा था कि किस प्रकार से मैंने और मेरी टीम ने स्वाध्याय जो है उसको स्थापित किया।
और किस प्रकार से टीम जो है वो कार्य कर रही है। स्वाध्याय के नाम है टीच बी वे सेल्फ स्टडी, विद्यार्थी को स्वयं करके ही सीखना होगा, क्योंकि मेरा मानना है जिस विद्यार्थी ने जो स्नातक है जिसने बीएड कंप्लीट कर ली, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, उस विद्यार्थी को कोई भी शख्सियत जो है एक कक्षा कक्ष में व्हाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो पहले से ही वो चीजें पढ़े हुए हैं। हाँ, सिर्फ उनको एक आप टास्क दे सकते हैं, एक शेड्यूल प्लान दे सकते हैं, जिससे वो बंद कर अपनी तैयारी को अच्छा बनाए। कहने के इस कार्यक्रम से बच्चों के मन में जो एक परीक्षा का जो डर था, एक दबाव था, उससे बाहर निकलेंगे वो। और माँ सरस्वती से मैं और पूरी स्वाध्याय टीम ऐसे प्रार्थना करती है कि आप 25 और 26 को परीक्षा में जब सम्मिलित हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप इसमें सफलता अर्जित करें, और जो स्वप्न आपने सजोए हैं वो आपके पूरे हो, और आप भी जिस भी जिले में आपको नियुक्ति मिले, जिस भी कस्बे में आपको नियुक्ति मिले, आप भी वहाँ के विद्यार्थियों को इसी प्रकार से प्रेरित करेंगे, उन्हें इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि स्कूली शिक्षा के साथ ही वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी है वो आरंभ कर दें। कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि हम कितनी भी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, उसका जो बेस रहना है वो है स्कूली एजुकेशन में जो भी से हम पढ़ते हैं वही महत्वपूर्ण है। आज की शिक्षा प्रणाली में रहता यही है कि जिस प्रकार से एक भवन का हम निर्माण कर रहे हैं वहाँ हम नींव को मजबूत करने पे ध्यान नहीं देते, छत को मजबूत करने पे ध्यान देते हैं। यही चीज आज की प्रतियोगिता परीक्षा में है। आप अगर देखेंगे कक्षा 6 से लेकर 12 की किताबें अगर किसी विद्यार्थी ने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, उनको कंठस्थ कर रखा है, उनके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो मेरा ये मानना है कि 8 वर्ष में होने वाली कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा जो है पास करना मुश्किल नहीं है। सुधारात्मक भी होती है, तो आपने दोनों चीजों में बोलना है, सिर्फ आप यही कहें कि वाह वाह स्वाध्याय की जो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी, और उसके साथ आप ये भी बता सकते हैं कि हाँ जब आंसर की जारी होती थी तो उसमें एक आध डाउट हो सकता है, ठीक है, प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के स्तर को लेकर ये सारी चीजें होती है, तो उसी से हम क्या करेंगे नेक्स्ट हमारा जो बैच होगा उसमें हम सुधार कर पाएंगे। तो इस कड़ी में पहले विद्यार्थी से मिलवाता हूँ मैं। हाँ, पास में ले जाएं आप कैमरा इनके, और खड़े हो बेटा, आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। आप अपना नाम? शायर कंवर। शायर कंवर, तो शायर आप बताएं आप कहाँ के रहने वाले हैं? जैसलमेर से। इतनी दूर आए आप, तो बीच में तो जैसलमेर से आप चले तो बड़ा शहर तो बीकानेर भी आते, वहां नहीं रुके, फिर आप चलते चलते सूरतगढ़ जैसे कस्बे में आए। क्यों सूरतगढ़ में ऐसा क्या है? सूरतगढ़ शहर के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। मैं पहले शहर के बारे में सुनना चाहूंगा, शहर के बारे में, इसके माहौल के बारे में, क्यों बच्चों का चुनाव सूरतगढ़ शहर क्यों है, कि उसके एनवायरमेंट में ऐसा क्या है
कि सारे बच्चे चुनाव सूरतगढ़ शहर का करते हैं। ये आप पढ़ने वाले हैं, जिस किसी को भी देखेंगे वो पढ़ाई की बातें करता है, उनको देख के लगता है कि भाई ये पढ़ रहा है, मैं बैठा हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो एक अपने आप अंदर से मोटिवेशन आता है। ठीक है, जिस प्रकार से शायर बता रहे हैं कि आप देखेंगे कोटा में, सीकर में जैसा माहौल है, हमारे शिक्षा में भी ये है कि एनवायरमेंट, जब आप क्लासरूम में पढ़ाएंगे या आपने जब बीएड की तो आपको बताया गया कि वातावरण जो है विद्यार्थी को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, तो एनवायरमेंट प्रेजेंट टाइम में सूरतगढ़ में जो बना हुआ है देखने को ये मिलता है कि सबसे ज्यादा दुकानें जो खुल रही है वो कौन सी खुल रही है, किताबों की खुल रही है, अच्छी बात है। और किसी भी विद्यार्थी को हम देखेंगे तो उसके हाथ में किताब होगी, कोई बातें भी करेगा तो पढ़ाई को लेके करेगा, चाहे वो ये बात कर ले कि पेपर आउट हुआ था कभी, अब बाकी नहीं होंगे, जो होंगे वो होंगे, अब नहीं होंगे। अगले विद्यार्थी से बात करते हैं, आप बताएं आप कहाँ से हैं, खड़े हो एक बार, आप अपने स्थान से जोधपुर से, ये लीजिए आप किस बैच के विद्यार्थी हैं, तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम के हैं आप विद्यार्थी, कब से तैयारी कर रहे हैं आप? यहाँ सूरतगढ़ से 4 महीने हो गए, कैसी तैयारी मानते हैं आप अपने? अभी जो डर लग रहा है आपको, लग रहा है कि बाकी सब ठीक है, ये ऐसा एक डर है जो कि मेरे अंदर घुसा हुआ है, डर तो है पर अगले पल एक बात आती है दिमाग में कि डर है फिर भी हम कर लेंगे क्योंकि हमारी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी है और लगातार हम पिछले साल भर से जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगले विद्यार्थी से मैं मिलवाता हूँ आपसे, और आए सुरेंद्र जी आप इधर, हाँ आपका नाम क्या नाम है? रमेश जी। रमेश जी कहाँ से हैं आप? राजगढ़ से, राजगढ़ चूरू। बस राजगढ़ के बारे में बोला जाता है कि जब रात के या संध्या के 6 बज जाते हैं तो वहां से कोई निकलना पसंद नहीं करता, ऐसा ये छोटी बात है, सही पहले हुआ करती थी आपके जन्म से पहले। राजगढ़ चूरू, चूरू में तो एक बहुत बड़ी शख्सियत भी है जो प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, सुभाष सर, बिल्कुल बहुत उनके बारे में सुना है और विद्यार्थियों के लिए निस्वार्थ बहुत कार्य वो कर रहे हैं। अभी आप तृतीय श्रेणी किस L2 में है, फर्स्ट में? L2 में साइंस मैथ से, कैसी आपकी तैयारी? अच्छी तैयारी, बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस आपने परीक्षा कक्षा कक्ष में बना के रखना है और माँ सरस्वती आपको सफल करें, माता पिता के सपनों को आप साकार करें। अगली कड़ी में हमारे यहाँ एक पुराने विद्यार्थी, उनसे आपको मिलवाते हैं, आपने बताएंगे कुछ, आपका नाम? कहाँ से आप? नागौर जिले से। आप नागौर से हैं, नागौर कहाँ से? नागौर से देश, देह से, देश तहसील है। अच्छा, अभी आप L2 में या फर्स्ट में? L2 में आपका सब्जेक्ट SST है। जारी आपकी कैसी है? अच्छी है। ठीक है, नागौर में नहीं रुके आप? नहीं, नागौर में नहीं रुके, यहाँ नागौर में एक मेरे मित्र हैं जो कि यहाँ सूरतगढ़ से गए हैं, तैयारी करवा रहे हैं, टैगोर कंपटीशन है सेंटर नाम से उनका संस्थान है, विद्याधर थोरी उनका नाम है, क्लास 10 में शायद हम एक साथ में थे और हम भी बंक मार के भाग जाया करते थे क्लास में। पंजाबी में अभिवादन कैसे करते हैं? वाहेगुरु जी की पांच साल, वाहेगुरु जी की फतेह। कैसी है तैयारी आपकी? बहुत बढ़िया है, आप L2 हिंदी के विद्यार्थी हैं और मैं ये मानता हूँ कि आप रीट में भी स्वाध्याय में थे, रीट आपके यहाँ से कंप्लीट हुई, पास हुई, मुख्य परीक्षा में भी आप यहाँ लगातार जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में जो विद्यार्थी हैं उनसे एक चीज आप सीख सकते हैं कि नियमित रीट बैच जब स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक नियमित ये जुड़े हुए हैं, यही चीज आगे निकल के आती है कि अगर आप लगातार किसी चीज से जुड़े हुए, वो सिर्फ पढ़ाई नहीं, अगर किसानी से भी कोई जुड़ गया व्यक्ति, कोई व्यवसाय से भी जुड़ गया तो सफलता आपकी सुनिश्चित है। विद्यार्थियों के बारे में कोई दो बात कहना चाहिए आप? वो तो आप विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, तलवार पकड़ने वाले में दम थोड़ा नहीं मानता मैं, और तलवार में मजबूती होनी चाहिए, धार में मजबूती। बैठिए आप।
हमारे जो अतिथि हैं वो पहुंच चुके हैं, जल्दी इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में जो है श्री प्रमोद जी, और प्रमोद जी वर्तमान में ओनर है फ्यूचर पॉइंट, और विद्यार्थियों को बहुत ही सस्ती किताबें जो उपलब्ध करवाते हैं, अंतर्जात विद्यार्थियों को धार्मिक किताबें भी दे देते हैं, ये एक बड़ी बात है। हाँ, आपका शुभ नाम कृष्णा राम जी विष्णु, ये अपने साथ में एक विधायक भी है ना कृष्णा राम जी, कहाँ से हैं? लोहावट से हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आप बताइए, आप लेवल टू के विद्यार्थी हैं या फर्स्ट के? लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं। कैसे आपकी तैयारी कृष्णा राम? वैसे कम समय में आपने विद्यार्थी में अपनी छाप अच्छे बना लिए। चलो बताइए आप उस तैयारी के बारे में। बहुत बढ़िया बात, ये कृष्णा राम जी जो कह रहे हैं कि बिंदास होके पेपर दें, और सच्चाई भी ये, डर के लड़े या उत्साह से लड़े वो आपके हाथ में। नहीं नहीं, हेडक नहीं लिया, बिल्कुल विराजे आप। सर के मार्गदर्शन में हजारों हजार विद्यार्थियों ने अपनी सफलता अर्जित की है, और सफलता की ये श्रृंखला है वो अनवरत रूप से जारी रहेगी, हम ऐसी आशा रखते हैं। उत्साह से आज विद्यार्थी उपस्थित हो रहे हैं, उनको देख के लग रहा है कि जो हमारा आइडिया था सिलेक्शन का वो अब लगभग कई सैकड़ों में पहुंचने वाला है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों का जो उत्साह है उनके आगे परीक्षा भी टिक नहीं पाएगी ऐसा लग रहा है। और जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ कि परीक्षाएं राजस्थान के लिए अब चुनौती हो गई, और रीट परीक्षा एग्जामिनेशन सरकार के लिए भी चुनौती है, तो सरकार पूरा प्रयास करेगी इसको पारदर्शिता के साथ करवाए और मैक्सिमम विद्यार्थियों का हित हो सके, हम ऐसी आशा करते हैं।